वो पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, भारत वंशियों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम है। इस दौरे के दौरान दो दिवसीय जो दौरा है इसमें 22वां शिखर सम्मेलन भारत और रूस का, और साथ ही यहां पर मुलाकात होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में रूस का दौरा उन्होंने किया था, और अब शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार एक अहम मुल्क का दौरा कर रहे हैं, रशिया का दौरा कर रहे हैं, जो कई मायनों में भारत के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। एक प्रिविलेज पार्टनर के तौर पर रशिया की छवि भारत के लिए रही है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का एक तरफा साथ देने का मौका हो, या फिर हाल के दशकों में लगातार भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूस से बढ़ती चली गई है। भारत कई अलग अलग मामलों को लेकर रूस से इंपोर्ट भी करता रहता है, कई क्षेत्रों में भारत की बेहतर संबंध भी हैं। उन तमाम पहलुओं को और मजबूती देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को दौरे पर पहुंचे हैं, जहां स्टेट गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री आज मुलाकात भी करने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। और ये देखिए भारत वंशी समुदाय जो है उनसे भी प्रधानमंत्री यहां मिलेंगे, और साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो सांस्कृतिक तौर पर किया जाएगा। रशिया में चाहे रामायण की बात हो, हिंदी की बात हो, या सांस्कृतिक रूप से भी कई अलग अलग जगहों पर वहां काम किए गए हैं। भारत में जो राजदूत रहे हैं उन्होंने भी रशिया में इसको आगे पहुंचाया है। भारत की रामलीला में रशियन कलाकारों की हिस्सेदारी हो, या फिर रूस में हिंदी को लेकर वहाँ भारतीय एम्बेसी की तरफ से पढ़ाने का काम हो, ये तमाम काम लगातार कई वर्षों से किए जाते रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है व्लादिमीर पुतिन से, जब चीन और रशिया के रिश्ते कंपेयर कर अगर पहले से तो बेहतर हुए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, दो दिवसीय दौरा है, और इस दौरान 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री का 1-to-1 मुलाकात भी होगी पुतिन से। उसके बाद डेलीगेशंस दोनों देशों के मिलेंगे, द्विपक्षीय वार्ता के साथ कई बड़े फैसले होने की उम्मीद भी की जा रही है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री 2019 में रूस का दौरा करने पहुंचे थे उस वक्त भी कई बड़े समझौते हुए थे, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। 2022 में SCO की बैठक के बाद ये पहली मुलाकात है, खास करके रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पहला ये बड़ा मुलाकात का वक्त। और ये देखिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये प्लेन लैंड हो रहा है रूस में, और यहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। भारत के राजदूत होंगे, रशिया के तमाम बड़े पदाधिकारी प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें आप भारत 24 पर देख रहे हैं। दोनों देश लगातार रक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नेचुरल गैस के मामलों को लेकर एक दूसरे से संबंध स्थापित करते रहे हैं। बेहतर रहा ये दोनों देशों का रिश्ता, और एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज ने कई सारे सैंक्शंस लगाए थे रूस पर, उसके बावजूद भारत रूस के नेचुरल गैस और ऑयल का लगभग 40% हिस्सा जो है अकेले इंपोर्ट करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस की धरती पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का रूस दौरा, दो दिवसीय रूस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे, और प्रधानमंत्री लगभग 5 वर्षों बाद रूस की सरजमी पर पहुंचे हैं, और मसलन 2 साल बाद पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। चाहे नॉर्थ कोरिया का दौरा हो या चीन का दौरा हो, पुतिन बहुत सेलेक्टिव देशों का ही दौरा कर रहे हैं, खास करके जब से रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ। G20 की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, रक्षा मंत्री रूस से पहुंचे थे उनके प्रतिनिधि के तौर पर। और आज ये देखिए प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, उनका यहां स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वर्षों बाद रूस की धरती पर, और बेहद अहम ये दौरा। दोनों देश एक दूसरे के साझेदार रहे, रणनीतिक साझेदार। भारत के रिश्ते पश्चिमी देशों से भी बेहतर हुए हैं हाल के वक्त में, चाहे अमेरिका की बात की जाए या बाकी यूरोपियन देशों की बात की जाए। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा मुल्क जो ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन के तौर पर रहा भारत के लिए, भारत ने रूस से रिश्तों में कभी भी वो गर्माहट खत्म नहीं होने दी जिसकी बुनियाद 1950 से ही रखी गई थी। और रूस उन देशों में था जिसने सबसे पहले बायलेटरल टाइज शुरू किए थे, डिप्लोमेटिक टाइज शुरू किए थे भारत से। और यहाँ देखिए किस तरह से आधिकारिक स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें भारत 24 से आप देख रहे हैं, जहाँ देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए
रूसी सेना के तमाम जवान इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वहाँ के पदाधिकारी और मसलन भारतीय राजदूत विनय कुमार भी वहाँ प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए मौजूद रहेंगे, और साथ ही उच्च पदाधिकारियों का एक डेलीगेशन जो है वो भी प्रधानमंत्री के साथ है। दोनों देशों में इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। रेड कार्पेट वेलकम प्रधानमंत्री का रूस की सरजमी पर। और भारत और रूस के रिश्ते कई मायनों में खास रहे हैं, एक अलग इतिहास रहा है, और बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री भी सन 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी आज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई। और 2019 में भी रूस का दौरा किया था, फार ईस्टर्न पार्ट जो है रूस का, वहाँ प्रधानमंत्री दौरा करने पहुँचे थे, और साथ ही ये ऐलान भी किया था कि रूस में भारत भी निवेश करेगा। आज ये देखिए दोनों मुल्कों के झंडे जो हैं वो लहराते हुए, और प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत करने के लिए, रेड कार्पेट वेलकम करने के लिए तमाम पदाधिकारी रूस की तरफ से यहाँ मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त रूस से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मॉस्को पहुँच गए हैं, कई समझौते होने की उम्मीद दोनों मुल्कों में। ऑलरेडी भारत रशिया से अपना लगभग 50% से भी ज़्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट का हिस्सा है वो रूस से ही भारत इंपोर्ट करता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में यूरोपियन पार्टनर और अमेरिका से भी भारत का इंपोर्ट बढ़ा है आर्म्स के मामले में, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसमें रूस की अकेले की है। चाहे मिग की बात की जाए, सुखोई की बात की जाए, हाल में S-400 की डील फाइनल हुई थी और उसकी सप्लाई शुरू हुई। और ये देखिए तमाम पदाधिकारी जो हैं रूस के वो इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। किसी भी पल प्रधानमंत्री यहाँ से अब पहुँचने के बाद यहाँ रेड कारपेट वेलकम प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और वो वक्त भी याद करिए जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी पुतिन से। ये प्रधानमंत्री ने कहा था दरअसल SCO की मीटिंग में कि ये युद्ध का समय नहीं है। PM ने उस बात पर जोर दिया और पुतिन ने भी उस बात पर अपनी सहमति जाहिर की थी। ये रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद PM मोदी का पहला रशिया दौरा है। इससे पहले 2019 में प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। अब शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री इस अहम दौरे पर पहुंचे हैं। मोदी 3.2 का ये सबसे अहम दौरा भी आप कह सकते हैं अब तक का, जहां प्रधानमंत्री रूस पहुंच गए हैं, रूस की राजधानी मॉस्को में, और क्रेमलिन में प्रधानमंत्री की कई बैठकें होंगी, कई कार्यक्रम हैं जहां भारतवंशी समुदाय से प्रधानमंत्री मिलेंगे, और इस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। सांस्कृतिक नृत्य और सांस्कृतिक तरीके से उनका स्वागत होगा। जो दाहिनी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतवंशी समुदाय से मुलाकात करेंगे। ये भी एक डेवलपमेंट, एक बदलाव देखा गया।